निर्गमन 20:17। किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। क्या आप जानते हैं ये जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म बुद्धिज्म कहाँ से शुरू हुआ? इंडिया से शुरू हुआ। तो गौतम सिद्धार्थ जो था वो राजकुमार था, एक छोटा सा जो राजा का राजकुमार था, उन्होंने संसार से ये सीखा है कि इस दुनिया पूरी तरह से दुख तकलीफ कष्ट से भरा है। उन्होंने ये सीखा रहते रहते संसार सब पूरा दुख से भरा है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो उन्होंने चार दुखों के बारे में मनन किया, चार दुख। पहला दुख क्या है? जन्म लेना ही दुख है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोचते भी हैं कि आह सब कुछ परेशान करने वाला है, सब कुछ काश मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ होता, है ना? क्यों हंस रहे? आपने भी सोचा होगा कभी पैदा ही नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता। बहुत थकान का काम है ये, जीना रहना कमाना खाना पीना ये सब कुछ बहुत परेशानी है। तो मैं पैदा भी नहीं हुआ होता तो ठीक था। तो जन्म लेना, पैदा होना, ये एक कष्ट है। दूसरा कष्ट क्या है कि उम्र बढ़ना, बुजुर्ग होना, ये भी एक दुख है। कितना अच्छा होता अगर मैं जवान के रूप में ऐसा चलता रहता, कभी मैं बुजुर्ग नहीं बन जाता, ऐसा युवा के एज में ऐसा मैं ठहर जाता, कितना अच्छा होता। ये भी दुख है, परेशान। तीसरा क्या है? बीमारी। बीमार होना भी ये दुख है। कितने लोग बीमार पड़ते हैं और कितना इससे दर्द होता है, और कभी कभी अपने किसी प्रियजन को बीमार और पीड़ा में देखना भी बहुत दुख होता है ना। अपने परिवार में सदस्य भी अगर बीमार हो जाता तो उससे हमें काफ़ी दुखी और बहुत परेशान। बीमार होना भी दुख, ये मेरी बात नहीं है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने ये देखा, ऑब्जर्व किया। लास्ट क्या है? मरना। अंत में हम सब कैसे जाते हैं? सब मर जाते हैं। ये मरना ही सबसे बड़ा क्या है? दुख है। जब परिवार का कोई प्रिय सदस्य या मेरा मित्र मर जाता है, उसको देखना सहना मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। मेरे जो प्रिय जन का डेथ हो जाता है तो उसको हम कैसे सह पाएंगे? और अंत में मैं स्वयं भी क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। तो इसलिए बुद्धिज्म जो है इन चार चीजों को, जन्म लेना और उम्र बढ़ना और बीमार होना और मर जाना, उन्होंने ये देखा कि संसार सिर्फ दुख से भरा है, दुख से, क्योंकि शुरू से अंत तक सब दुख ही है, दुख ही है, दुख दुख दुख। थोड़ा समय के लिए आनंदित होता है लेकिन बाकी समय में सारा दुख पीड़ा दर्द से भरा हुआ है। सो उन्होंने मनन करते 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 क्या ठान लिया है? क्योंकि संसार सारा कष्ट दुख से भरा है तो क्या करना है? ये इसका कारण को ढूंढना है। ये दुख का कारण कहां से आया? दुख का कारण तो गौतम सिद्धार्थ ने इसको पता करा और अंत में क्या मनन चल गया कि हमारे अंदर है क्या है? ललच, अभिलाषा। उसकी वजह से जीना, बीमार होना, उम्र बढ़ना और मर जाना, ये सब दुख होता है। अगर हम जीने के लिए इतना मन नहीं रखेंगे और बीमार में भी मैं क्यों हेल्थ होना, मुझे क्यों स्वस्थ होना, ऐसा हम सोचेंगे, मतलब कोई इसमें मान नहीं रखेंगे, मान नहीं जोड़ेंगे तो कोई दुख नहीं होता। तो क्या करें? एक समाधान निकाला कि सभी लगावों से छुटकारा पाएं, सभी लालच को छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? हम छुटकारा पाए, उदाहरण।
ऐसे उनके जो बुद्धिज्म का मेन जो शिक्षा है, मुख्य शिक्षा क्या है, अगर हम लालच को छोड़ेंगे, पूरा अपने मन को खाली करेंगे तो हम उधार पाएं। इसलिए ज्यादातर जो लालच से छुटकारा पाने के लिए बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में जाके मंदिर बनाते हैं, टेम्पल बना के और बाढ़ कटवाते हैं और वो वहां ठहरते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ दिन भर मनन ही करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, संसार से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, लालच को छोड़ दें और हम सिर्फ मना नहीं करें और अपने आप से लड़े और इससे हम छुका ना पाए, इससे हम उधार पाए, ऐसा करके ज्यादातर लोग सब मोंक बनते हैं। मोंक तो ये पहाड़ों में जाते हैं और टेम्पल में स्टे करना शुरू करते हैं। आपको कैसा लगता है ये बात सुन के, बुद्धिज्म की जो शिक्षा सुन के कैसा लगता है? अच्छी बात है लालच को छोड़ना। और आज हमने जो देखा है दसवीं आज्ञा क्या है, लालच को लालच ना रखना, तो ये मिलता जुलता है, सिमिलर है बुद्धिज्म की जो शिक्षा है और ये सच्चाई की जो शिक्षा है, ये मिलता जुलता है, लालच को छोड़ो उधार पाए। तो दसवीं आज्ञा भी हमें कहता है कि लालच को छोड़ो, एक ही नहीं है, एक समान नहीं है, क्या फर्क है इसमें, क्या फर्क है, ये फर्क है उन्होंने ये पता किया, यहां तक पता किया कि लालच की वजह से ये सब दुख शुरू हुआ, अच्छा पता किया, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट, ये बहुत ये है स्मार्ट था गोदाम सिद्धार्थ, लेकिन वो लालच कहां से आया उसके बारे में नहीं जाना, लालच की शुरुआत कहां से हुई उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनको क्या मिला, नहीं मिला प्रकाशन नहीं मिला। देखिए हमें क्या मिला, प्रकाशन मिला, प्रकाशन क्या है, वचन, वचन हमें क्या बताता है, किसकी वजह से लालच शुरू उत्पन्न हुआ तुम्हारे अंदर, पाप की वजह से, तो पाप पहले है, पाप की वजह से लालच हुआ, लालच की वजह से इतना दुख हुआ, तो ये कि ये बुद्धिज्म जो है पाप तक नहीं पहुंच पाए, सिर्फ लालच तक पहुंच के इसको छोड़ना 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 छोड़ना, छोड़ना उधर पाए, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं लालच को छोड़ने के। इसलिए ये जो लालच को छोड़ना, लालच न रखना बुद्धिज्म जो सिखा रहे हैं, ये उधार का एक रास्ता है उनके लिए, लालच को सब छोड़ेंगे शून्य करेंगे तो हम उधार पाएंगे, ये इनका उनके लिए उधार का रास्ता है, लेकिन हमारे लिए लालच न रखना उधार का रास्ता नहीं है। लेकिन ये दसवीं आज्ञा जो है हमें उधारकर्ता तक पहुंच जाता है, समझ में उनके लिए, बौद्ध धर्म के लिए लालच न रखना ये उधार के लिए एक रास्ता है, रास्ता सदा समाधान है, लेकिन हमारे लिए लालच मान रखना ये हम इससे इसको पूरा भी करें हम अनंत जीवन या उधार नहीं पा सकते। लेकिन इसके द्वारा हम क्या जान सकते हैं, वाह मैं पापी हूं ये जान सकते हैं, इसलिए मुझे कौन चाहिए, उधार करता चाहिए, कौन है, यीशु मसीह। तो ये दसवीं आज्ञा हमें कहां तक ले जाता है, यीशु मसीह तक ले जाता है। हालेलुया। बौद्ध धर्म जो है संसार में जो भी लालच को मतलब नहीं रखना है, इसलिए क्या करना, संसार से अलग हो जाओ, सब कुछ छोड़ो, अपना घर अपना, इसलिए ये लोग शादी भी नहीं करते, अपना पति पत्नी सब छोड़ो, और बच्चे भी नहीं है इसलिए बच्चे भी छोड़ो, या अपना जो भी है अपने जो वास्तव है उसको सब छोड़ो और अलग हो जाओ, बिल्कुल संसार में आ जाओ, संसार से अलग होके पहाड़ों में जाके मनन करो, मेडिटेशन करते रहो और मुक्ति मोक्ष मिले, तो उनका ये सोचना। लेकिन ये दसवीं आज्ञा जो है हमें ये नहीं बताता है कि सब कुछ छोड़ो, अपना पति अपनी पत्नी छोड़ने के लिए ये नहीं बता रहे, और अपनी गाड़ी गाड़ी खरीदना ही नहीं खरीदनी है, ले सकती है नहीं सकती है, ले सकते हैं ये भी मना नहीं कर रहे, अपना घर अपना मकान अगर अपना प्लॉट खरीदना ये मना कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये अलग है,
बुद्धिज्म के जो शिक्षा है बिल्कुल उससे मन हटाओ, मन से सब निकालो और पूरा शून्य बन जाओ, उधार हो जाओ। लेकिन हमारी जो यीशु मसीह का जो कहना यह है, परमेश्वर का वचन यह है कि अपने पास जो भी जरूरत है उसको अपने पास रखो, जितना भोगे उतना पाओगे, मांगो तो मिलेगा। ये परमेश्वर ने ये एक सिद्धांत हमें दे दिया कि अपने पास सब चीजों को रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये क्या मना कर रहा है? बस ललच है। ललच का मतलब क्या है? जो जरूरी से ज्यादा, जो जरूरी है वहां तक रखना परमेश्वर मना नहीं कर रहा है। अपने लिए कपड़ा भी होना और जूते भी होना, खाना भी होना, मकान भी होना है रहने के लिए, और स्कूल जाने के लिए फीस भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, उतना तो सब कुछ तो चाहिए। परमेश्वर उस चीजों के लिए मना नहीं कर रहा है। जरूरी है, जो जरूरत है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन क्या है? जरूरी से ज्यादा, इसको बोलते हम लालच। लोगों का ये इसमें वचन क्या मना कर रहे हैं? देखो, किसी दूसरे की स्त्री, मेरी स्त्री भी है अभी ऑलरेडी है, लेकिन उसको छोड़ के इसके अलावा एक दूसरी, तो दूसरों की जो पत्नी है, दूसरों की जो लड़की है, उसको देखे लालच मत रखें। किसी दूसरों का घर है, किस दूसरों का संपत्ति है, किस दूसरों का जो गधे हैं, बैल है, इसको देख के लालच मत रखें। जो अपने भी अपने पास भी ऑलरेडी है, काफी है, लेकिन उसको छोड़ के जरूरी से ज्यादा दूसरों के चीज, दूसरों की जो चीजों पे मान लगाना, उसको ललच कहते हैं, और ये मत रखना, ऐसा मना कर रहा है। दस आज्ञा में सबसे पहली जो पहली आज्ञा क्या है? तुम मुझे छोड़ कोई दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ठीक है, केवल और केवल कौन है? परमेश्वर, मैं ही परमेश्वर। दूसरी आज्ञा क्या थी? अपने लिए मूर्ति बनाकर उपासना ना करना। तो ये क्या है? कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है, ना उसके तारीख के बारे में बता रहे। तीसरा क्या है? परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत रखना, परमेश्वर का आदर दे, पवित्र कर। चौथा, चौथी आज्ञा क्या थी? विश्राम दिन को, सत्य के दिन को पवित्र करके मानना। कब करना है आराधना? परमेश्वर से कब मिलना है, ये इसके बारे में बता रहे थे। पांचवी आज्ञा में अपने माता और पिता का आदर सम्मान करना। ठीक है, छठवी, तू हत्या ना करना, खून ना करना, मदन नहीं करना। सातवीं, तू व्यभिचार ना करना। आठवीं, चोरी ना करना। नौवीं, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी, मतलब झूठ मत बोलना। और आज लास्ट है जो लालच मत रखना। तो यहाँ से लालच मत रखना, इसमें जो वचन लिखा हुआ है कि तू किसी दूसरों की स्त्री से लालच मत रखना, ये किससे मिटा देता है? कितनी आ गए, कौन सी आ गए? सातवीं आ गया मैं, जो तू व्यभिचार ना करना, ऑलरेडी बात किया था ना, ये अभी तुम्हारा रिपीट कर रहा है शायद। और तो दूसरों की संपत्ति पर लालच मत रखना, ये किससे संबंधित है? चोरी ना करना है। सातवीं, आठवीं आ गया मैं, ये संबंधित है। लेकिन क्या फर्क है उन दो आज्ञाओं से? ये क्या फर्क है? व्यभिचार ना करना और चोरी ना करना, ये लालच मत रखना, ये क्या फर्क है? ये बाकी जो पहले दो आज्ञा है किसमें ध्यान है? हमारे बाहर के कामों में ध्यान है, बाहर के। व्यभिचार सच में हम करेंगे तब वो ना करना, और चोर भी हम करेंगे उसको मत करना, जो बाहर का जो काम दिखावा का। लेकिन लालच ना रखना, ये किसकी बात कर रहे हैं अभी? हमारे मन की बात कर रहा है, अपने उद्देश्य की बात कर रहा है, इंटेंशन, उद्देश्य मत रखना। किसी दूसरों को, दूसरों दूसरी स्त्री को देख के मन भी मत लगाओ, और समान दूसरों की चीजों को देख के उसमें मन मत छोड़ो। ये यदि कोई एक व्यक्ति शुरू से पहली आज्ञा से लेकर नौवीं आज्ञा तक पूरा किया,
कर सकते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हाँ मैं कभी मैंने व्यभिचार नहीं किया और कभी मैंने चोरी ना किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरे मम्मी पापा का आदर कर रहा हूँ और मैं समय समय पर चर्च में आता हूँ, विश्राम देखो पापा मित्र करके मानता हूँ, परमेश्वर के अलावा मैं कोई दूसरा भगवान नहीं मानता हूँ, परमेश्वर के मैं मूर्ति नहीं बनाता हूँ, है ना, कभी मैं परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेता हूँ। देखो मैंने 1 से 9 तक पूरा पालन कर रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। लेकिन 10वीं अगर मैं आके हमने इसको पूरा किया पालन किया तो सबका मुंह बंद किया जाएगा, मान में केस, मान में जो ऊपर होता है वो मैं कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। लालच तो ऊपर होता है, या कभी कभी मैं कितने भी कोशिश करूंगा कंट्रोल करने के लिए, लालच में लक्ष्मण लालच में रखूंगा, लेकिन अपने आप ये हो जाता है, तो मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। तो 10वीं आज्ञा में सब लोग फांस जाते हैं, ठीक है। तो 10 कोई भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 1 से 10 आज्ञा था पूरा करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए बुद्धिज्म भी है, हिंदुइज्म भी है और यहूदिज्म भी है, सही में हमारे मेहनत के द्वारा, हमारे अपने कामों के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं, हम पवित्र हो सकते हैं। यदि हम ऐसा जो पवित्र वचन को हम अगर पालन करेंगे, भगवान की जो आज्ञा है उसको हम पालन करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उस मेहनत परिश्रम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं, मतलब शुद्ध हो सकता है, मन भी साफ हो जाएगा। इनका ये कहना है, बाकी धर्म का जो भी शिक्षा है ये सही ऐसी है, लेकिन वचन क्या कहता है, अभी थोड़ा रेफरेंस देखेंगे। यिर्मयाह का देखो, यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। या सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला क्या है, हमारा मन। तो मन में सिर्फ धोखा देने वाला ही है हमें अंदर, सब चीजों से जो बुरा हमारा मन, जो खराब है क्या है, वो हमारा मन है, वचन ये ऐसा घोषित करता है। इसलिए यीशु मसीह ने भी क्या कहा था, मरकुस निकालेंगे, मरकुस 7:20-23, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए यहाँ पे यीशु ने कहा जो मनुष्यों के अंदर से जो निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, करके हमारे जो अंदर में जो भी चीज है वो अभी यीशु मसीह निकाल रहे हैं, क्या क्या है देखेंगे। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से क्या कहता है, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परम स्त्री घमन, लोभ, दुष्टता, छल, दुष्पन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ठीक है, कितने लोग मानते हैं यीशु ने कहा है, हमारे अंदर, ये कोई दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में अभी यीशु बोल रहे हैं, आपके अंदर से ये निकलते हैं, ये चीज निकलती है, क्या क्या निकलती है, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये सब किसके अंदर है, मेरे अंदर, मनुष्य मत बोलिए, मेरे अंदर है, मेरे अंदर, हमारे भी नहीं है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। दिखाने में तो हम बहुत जेंटलमैन लेडीज ऐसा हम दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है, सब यही चल रहा है, अशुद्ध है हमारे मन। अगर इस प्रोजेक्ट में अब अपने मन को ऐसा हम केबल लगा देंगे, जोड़ देंगे और इसमें हम कर देंगे, तो आप शर्म से शर्म किसी को भी नहीं देख सकेंगे, आपके मन में सब ये चीजें, विचार है, हत्या है, मोदक है, ये सब चीज हमारे अंदर है, और हम जिंदगी भर इन चीजों को हम छोड़ने के लिए, इसको खाली करने के लिए, इसको हमारे मन से निकालने के लिए हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन इसको सफलता नहीं मिलता, हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, हम किसी में जाते हैं, निराशा में जाते हैं। दोस्तों पूरा सीखा है, ठीक है,
आज से मैं 10 आज्ञाओं को पूरा पालन करने के लिए हर दिन कोशिश करूंगा। सच में इसको थोड़ा सोचते मैं ध्यान देते हुए पालन करूंगा। आप कोशिश कीजिए, करना है, मैं करना है। हम सीख के इसको अपने इसके अनुसार नहीं चलेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। तो सच में हम चलेंगे इसके अनुसार, लेकिन चलते चलते किस किस परिणाम मिलना है कि मुझसे ये काम, ये मुझसे ये अच्छा ही नहीं है, नहीं निकाल जाता, मुझसे नहीं किया जाता है ये अच्छा काम। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो 10 आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करने वाला है, कोई भी नहीं। तो क्या है ये? अगर हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो परमेश्वर इसको क्यों दिया हमें? ऐसे मजाक के रूप में दे दिया? आप देखो, आप तो नहीं कर सकोगे, ऐसा करके परमेश्वर ने मजाक के रूप में दे दिया। तो ये 10 आज्ञा हमें क्यों दिया? ये कारण बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। रोमियो निकालेंगे, रोमियो और रोमियो 3:20 देखिए। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप ही की पहचान होती है। ठीक है, व्यवस्था मतलब इसमें व्यवस्था की जगह 10 आज्ञा डाल दिया। तो क्योंकि 10 आज्ञाओं के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा, लेकिन 10 आज्ञाओं के द्वारा क्या क्या होती है? पाप की पहचान होती है। 10 आज्ञाओं के द्वारा हम ये पहचानते हैं कि मैं पापी हूं, मेरे अंदर पाप है, इसलिए ये सारी चीज चलने के बावजूद भी मुझसे नहीं किया जा रहा है। हम ये अंगीकार कर रहे हैं। पुराना नियम का जितना नियम है, व्यवस्था है, उसको 10 में हम संक्षिप्त कर देंगे तो क्या है? 10 आज्ञा है ना? तो इसको हमें पूरा पालन करना है, नहीं करना है थोड़ा मुश्किल है आज, थोड़ा लेकिन स्पष्ट करके जाएंगे। 10 आज्ञा अभी हमने देखा है, 10 आज्ञा से हम पापों की पहचान होती है। हम पूरा भी कोई भी प्राणी 10 आज्ञाओं के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते। तो ये क्या जरूरत है 10 आज्ञाओं को पूरा पालन करने का? तो इसलिए हम 10 आज्ञाओं को छोड़ दें, हमें 10 आज्ञाओं को पालन करना है, लेकिन इसलिए नहीं करना है, हम करते करते उधार पाएंगे। 10 आज्ञाओं को पूरा करने से हम उधार पाएंगे, इसी उद्देश्य से नहीं। ये बुद्धिज्म है, ये दूसरा धर्म है, लेकिन मसीह जो है, सच्चाई है, वो हमारे कामों के द्वारा कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते, कभी भी हम उधार नहीं पा सकते। लेकिन हमें इसलिए करना है, इसको करते 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 और क्या जाने हम अपने बारे में और गहराई से जाने कि अच्छा, मैं इतना पापी था। हम जान सकते हैं पापी को क्या चाहिए? क्षमा चाहिए। क्षमा कहां से आता है? एक उद्धारकर्ता के माध्यम से आता है। तो उद्धारकर्ता कौन है? यीशु। तो 10 आज्ञाओं को पालन करते 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 ये 10 आज्ञाएं हमें कहां तक ले जाता है? यीशु मसीह तक ले जाता है। आमीन। यही उद्देश्य है 10 आज्ञाओं को पालन करने का। 10 आज्ञाओं को पालन करने से हम उधार नहीं पाएंगे कभी भी। कोई भी पुरानी वचन में लिखा है, हम सबको निराशा कर दिया, कोई भी प्राणी 10 आज्ञाओं को पालन करने से उसके द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते। लेकिन 10 आज्ञाओं के द्वारा हमारी पापों की पहचान होती है, यहां तक हम जान सकते हैं। 10 आज्ञाओं को मैं सच में पूरी तरह पालन करने के लिए कोशिश करता हूं, लेकिन मैं जान गया मैं कितना बुरा आदमी हूं, मैं कितना निर्बल इंसान हूं। इसको करते करते हम ये सीखते हैं। तो इसलिए मुझे अनुग्रह चाहिए, इसलिए मुझे दया चाहिए, इसलिए मुझे यीशु चाहिए, और यीशु को हम और जोर से पकड़ लेते हैं। यीशु कभी मुझे छोड़ना मत, तब उधार होता है। उधार इस तरीके से होता है, ठीक है? रोमियो 8:1-2। अगर हम ऐसे 10 आज्ञाओं को पालन करते करते जान लिया कि मुझे यीशु चाहिए और यीशु को हम जोर से पकड़ते हैं, तो अभी उनके लिए वचन घोषणा करता है। रोमियो 8:1-2 पढ़िए जोर से। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं,
क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है, कर दिया है। आमीन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर क्या नहीं है, दंड की आज्ञा। दंड की आज्ञा मतलब क्या है, नरक का, नरक की दंड नहीं है कि किन के लिए, जो मसीह यीशु में है। मसीह यीशु में हम कैसे जाते हैं, दशा के उनको पालन करते 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 जानते हैं कि मैं पापी हूं, इसलिए मुझे अनुग्रह चाहिए, उद्धार करना चाहिए। तब यीशु मसीह हमारे सामने खड़े हो जाता है, ओ यीशु जी, प्रभु जी करके हम यीशु को पकड़ लेते हैं, हम यीशु के अंदर जाते हैं। तो ये वचन उनके लिए है, अभी यीशु मसीह में हो आप, अभी कभी नरक नहीं जाएंगे आप, अभी मृत्यु के दंड आपसे हट गया, आप पूरी तरह उद्धार में हैं। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा। देखिए गांव में जाएंगे ना, अभी भी गांव में जाएंगे, क्या है, रोड है, रोड है, जैसे जहां पे जो जिस पर जो गाड़ी चलती है रोड है, लेकिन रोड तो है पर वो क्या नहीं है, उसमें लेन नहीं है, लेन लेन पहला दूसरा है लेन, तो ये उत्तर से भी ये आने के लिए ऐसा डायरेक्शन जैसा करके लेन, गांव में ज्यादातर लेन नहीं है। तो ये लोग गाड़ी कैसे चलते हैं, गाड़ी अपनी मर्जी चलाते थे, गीत गाते हुए ला ला ला, अपनी तरह अपनी मर्जी, कभी बाएं कभी दाएं, जो विपरीत साइड से बहुत तेज गाड़ी आती है, ये दोनों फिसल करते करते आके इतने इतना नजदीक ही में तब मोड़ते हैं, सोचते हैं कि मैं अच्छा ड्राइवर हूं, ला 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 ऐसा करते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने नियम बनाया अभी से, क्योंकि ऐसे कर ऐसे हम छोड़ने से क्या हो, क्या जाता है, गांव में बहुत एक्सीडेंट तो होती है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम नियम बनाएंगे, यहाँ पे लाइन बनाएंगे, लाइन लेन बनाएंगे, तो अगर कभी कभी कोई भी ये लेन को वायलेशन नहीं करेंगे, मतलब इसके लेन के बाह पार नहीं होना है, अगर करेगा तो क्या कटेगा, चालान कटेगा, ऐसा नियम बनाए, तब से क्या हो जाता है, और बीच बीच में ये पुलिस खड़े हो जाता है, और स्पीड भी अगर 80 किलोमीटर से ऊपर जाएगा तो 1000 रुपए, 100 किलो से ऊपर जाएगा 2000 रुपए, ऐसा करके मतलब नियम बनाया, लॉ बनाया, कानून बना के पुलिस बीच बीच में खड़े हैं। तो जो पहले अपनी मर्जी चलते थे गाड़ी, ये अपनी आदत के अनुसार अभी भी चला रहे हैं, आज भी बिना जान के ला ला ला, तो क्या हो जाता है, ये क्रॉस कर दिया, जो उल्टा साइड का क्रॉस कर दिया 1000 रुपए, और दोबारा वापस आके बिना लाइट ट्रैफिक लाइट को इग्नोर करके पार किया 5000 रुपए, और स्पीड से 120 किलोमीटर चला दिया तो 4000 रुपए चला, बात में जाओ बाद में पुलिस क्या करते हैं, रोको, अरे अरे भाई रुको 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 रुको, तो सब बता देते क्या ये इसका उल्लंघन किया, इसका उल्लंघन किया, इसका उल्लंघन किया, तो आपको क्या देना है, 10000 देना। पहले ये सोचेंगे, अरे जब ये नहीं था तो मैं अपनी मर्जी 1000 था, बिल्कुल 1000 था, सब कुछ मेरी मर्जी मन मर्जी में करता चलता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मतलब एक्सीडेंट दुर्घटना भी नहीं थी, लेकिन जब से ये कानून आने लगे इन्होंने मुझे पापी बनाया, चालान कटा, अरे मैं पापा से जाना चाहता, लेकिन अभी सजा तो मिल रहे हैं, मतलब दोष आ गया है हमारे पास देने से, हमारे पास आने से पहले हम नहीं जाते थे कि मैं पापी हूं, अपनी मर्जी हम जीवन चाहते थे, संडे में छुट्टी ले लो और घूमने जाओ और जो भी पैसे है अपने लिए यूज करो, दारू पियो, सिगरेट पियो या ड्रग खाओ, सब कुछ करो, अपनी मन मर्जी साफ करो, कोई भी उसमें रुकावट नहीं था, अपनी मर्जी से बिल्कुल क्या है, फ्रीडम था, स्वतंत्र था। लेकिन जब से हमने मसीह में आ गया और ये 10 आज्ञाएं मिली, तो क्या पहचानती है, अब तक मैं करता था वो क्या है, पाप था, पाप,
और मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझसे नहीं किया जा रहा है, ये हटा नहीं जा रहा है पा, तो ये क्या क्या हो जाता है? बिल्कुल निराश, अपने आप से निराश। क्यों नहीं कर सकते? तू व्यभिचार मत करना, हमने उसे देखा था व्यभिचार मत करने का जो गहराई मैंने क्या, यीशु ने क्या बताया था, अगर एक लेडी को देखे कुदुरुस्ती के कुदुरुस्ती करेंगे वही व्यभिचार है। तो आजकल जितने जो लोग हैं इस मोबाइल के माध्यम से व्यभिचार ही करते रहते हैं हर दिन व्यभिचार। आज हमने सीखा है व्यभिचार ना करना और ये भी नहीं देखना, ठीक है अभी ठान लिया है मैं कभी नहीं देखूंगा, फिर भी हम देख रहे हैं। नहीं किया जा रहा है, हत्या ना करना। हत्या ना करने का मतलब क्या था? हमने देखा किसी से नफरत नहीं करना, किसी को सब मतलब ऐसा नहीं होना है कि मैं क्षमा अभी नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना है, सबको क्षमा करना है और गले लगाना है, प्रेम करना है। लेकिन मैं अभी मेरे अंदर में भी अभी कुछ कुछ दुश्मन है जिसको मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता अभी, तो क्या है हम हत्या कर रहे हैं अंदर से, मुद्दा कर रहे हैं, कोशिश करता हूं इसको हटाने के लिए लेकिन नहीं किया जा रहा है। चोरी ना करना, किसी का सामान नहीं रखना मतलब मत छूना, उसको देखे जरूरी से ज्यादा मत सोचना, लेकिन हम सब सोच रहे काश मेरे पास ये होता, काश अगर 12 घर लेता है उसके बाद भी हमारे अंदर लड़ना चाहता है, तृप्त नहीं होते, सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर छोटा सा घर ले लिया तो अभी 12 घर ले लूंगा, हमारा लालच भरता जाएगा कभी ये रुकेगा नहीं। तो कोशिश करता हूं मैं हटाऊंगा लेकिन क्या है नहीं हटाया जा रहा है। जैसे हम अपनी मर्जी का जग था उसमें कोई पेनल्टी सजा नहीं थी, लेकिन अभी जब से पुलिस सरकार ने नियम बनाने लगा तब से मुझे पहचान में आ गई कि मैं पापी हूं, मैं अच्छा ड्राइवर नहीं था बिल्कुल भी, पहचान में आ गई। 10 आज्ञाओं के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी अच्छा ड्राइवर नहीं था, हमें ये जानना था। खास करके 10वीं आज्ञा को हम सीखे, तू लालच मत रखना, नहीं यहां से आप सब देखा जाए सब पापी ठहर गया, मुझे मिला क्या सब, तो हम क्या दोनों में से एक है, चलो मैं छोड़ के वापस चले जाता हूं कहां पे, जो पुराना जीवन है जो मैं पहले करता था अपनी मर्जी करता था वो उसमें बिल्कुल फ्रीडम था स्वतंत्र था, मैं उसी में वापस चले जाऊं। पहला ये है, दूसरा क्या है, अपने आप से भरोसा रखना छोड़ दे, अपने आप को विश्वास करना अभी स्टॉप कर रहा है और निराश होके क्या कर रहे नम्र बन जाते, नम्र हम्बल बन जाते और सूर्य करते अपने आप का इनकार कर लेते हैं, अच्छा मुझे मेरे अंदर भलाई नहीं है, एक भी नहीं है भलाई, हमेशा बुरा विचार ही मेरे अंदर है, पति पत्नी के बीच में भी लड़ाई, जानते हैं वचन क्या कहता है परमेश्वर की क्या इच्छा है, लेकिन हमेशा मैं गुस्सा करता हूं, खास करके आजकल कितने लोग गुस्से में है, दूसरों को मर रहे हैं, हम मदर कर रहे हैं, तू हत्या ना करना, इस वचन के अनुसार हम सब अभी हत्यारा है, दूसरों को हम गुस्से से ना गलियां में देते हैं, गुस्से से लोगों को मान को में चोट भी लगाते हैं, ऐसे करके हम बहुत बहुत ही बस दोस्तों के हमको तोड़ रहे हैं, तो तोड़ते हमें इसलिए गिव अप करना है, दोस्तों के हमको पलंग करना छोड़ दूंगा नहीं, तोड़ते क्या जानना है पापों की पहचान, मतलब पहचानना है, अच्छा इसलिए मेरे मुझे से नहीं किया जा रहा है कि मैं पापी हूं, प्रभु मुझे मदद कर, मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे, मुझसे ये नहीं किया जा रहा है। अगर आप बोलेंगे इसको पूरा करो, पूरा करने से उधार पाएंगे, तो मैं उधार नहीं पा सकता हूं, मुझे आपकी अनुग्रह चाहिए, आपकी दया चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए, ऐसा करके यीशु के नजदीक और नजदीक जाके यीशु के अंदर तक चला, तब रोमियो 8 का जो 1-2
अभी यीशु मसीह में है उनके लिए मृत्यु का मृत्यु की दंड नहीं, नरक की दंड नहीं, ऐसा उद्धार का घोषणा हमारे लिए उपहार के रूप में सेंट में दिया जाता है। अभी भी जो कुछ लोग हैं या भी हम यीशु मसीह को विश्वास करने से उद्धार पाते हैं, इसलिए हम सब क्या है, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, हम स्वतंत्र होके रहेंगे, कोई हम इस नियम के गुलामी दस्तावेज का अभी क्यों पढ़ना करें। यीशु ने सब को पूरा किया, अभी अनुग्रह मैसेज में दे दिया, इसलिए हम दस्तावेज को या प्रणालियों को पालन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं। अभी सब हम फ्री होके जी प्रार्थना करें, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, ऐसा गला सीते रहने वाला बहुत है। लेकिन सच्ची जो स्वतंत्रता है तब प्राप्त होती है जब हम जानते हैं कि मैं पापी हूं और स्वयं को इनकार करेंगे, तब अपने आप को इनकार करेंगे, खाली करेंगे, शून्य बन जाएंगे, नम्र बन जाएंगे, तब स्वतंत्रता था। मैं जब शून्य बन जाऊंगा तो परमेश्वर का सो होके मेरे अंदर रहेगा, तब स्वतंत्रता था। अपने ईगो से सो भर गया, ऐसे स्वतंत्र हो जाओ, ये संसारी लोग हैं, लेकिन अपना आपको ईगो को बिल्कुल खत्म कर देते हैं और जीरो बन जाते हैं, शून्य बन जाता है, तब यीशु मसीह सो होके हमारे अंदर बसेंगे। तो अभी जो मैं जी रहा हूं, मैं नहीं जी रहा हूं, यीशु मसीह जो मुझ में है वो जी रहा है, तो तब स्वतंत्र, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह जो मेरे अंदर है वो ही कर रहा है, ये स्वतंत्रता है। इसलिए हमें लगातार आज भी 10 सेकंड को पालन करना, 10 सेकंड का पालन करना, 10 सेकंड को हम पालन करेंगे 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 करेंगे, क्या हो जाएंगे, हम और क्या हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, करने से अगर घमंडी हो जाएंगे तो ये बिल्कुल आपका दूसरा रास्ते में खड़ा रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन हम 10 सेकंड को पालन करते 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 नम्र बन जाएंगे और यीशु मसीह की तरह और जाएंगे और नजदीक जाएंगे, तो ये सच्चा अनुग्रह है, आशीष है। ठीक है, हम रिविजन करेंगे। बाइबल में कितनी किताबें हैं? 66 किताबें, इसको 10 कर देंगे, क्या है बाइबल का 66 बहुत ज्यादा है ना, 10 में हम 10 वाक्यों में कर देंगे तो क्या है, 10 जगह को 2 कर देंगे, क्या है, एक परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरा मनुष्य से, इंसान अपने पड़ोसी से प्रेम करना, ठीक है, और इसको एक कर देंगे प्रेम करना। यीशु ने हमें एक नई आज्ञा दी, नई न्यू कमेंडमेंट, क्या है, योहन्ना देखिए, योहन्ना 13:34-35 पढ़िए, योहन्ना 13:34-35 नई आज्ञा क्या है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या नई आज्ञा क्या है, एक दूसरे से प्रेम करो, कैसे प्रेम करो, जैसे मैंने प्रेम किया, कौन सा प्रेम ही है, अगापे लव है, अगापे क्या है, बिना शर्तें, विदाउट कंडीशन, अनकंडीशनल लव, सिर्फ मैंने बोला था प्रेम में तीन प्रकार के हैं, टेक एंड टेक या गिव एंड टेक, लेकिन अगापे प्रेम क्या है, गिव एंड गिव एंड गिव, बस देना 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 देना, दूसरों की सेवा करना करना करना, ये अगापे लव है, ये ही प्रेम दूसरे से किया करो, तब संसार के लोग सब जानेंगे कि तुम मेरा चेला है, मेरे चेले। और रोमियो 13:9 में भी क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ो कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात पर पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। क्या है,
ये सब दसवें अध्याय का सारांश क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो दसवें अध्याय ही क्या है? प्रेम करो। और पहला युवाना 2:4 पर उसमें सत्य नहीं है। कौन किसके पास सत्य नहीं है? जो मैं इसको जानता हूं करके उसकी आज्ञा को नहीं पालन करते हैं वो झूठा है, झूठ बोलने वाला है। ठीक है, तो हमें उसकी आज्ञा को पालन करना है। आज्ञा क्या है? एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं? प्रेम। उस प्रेम में बहुत सारे मीनिंग है। प्रेम परमेश्वर से प्रेम और अपने भाई बहनों से, अपने नए पड़ोसी से प्रेम करना, लोगों से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना, इंसान से प्रेम करना। जैसे मैंने प्रेम किया तुम्हें, तुमसे ऐसा प्रेम कर विदाउट कंडीशन। इसलिए हमें लगातार क्या करना है? प्रेम करना, प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना है, लोगों से प्रेम करना है। और जो भी दसवें अध्याय का जो भी बातें हैं, आज्ञा है, ये सब इसमें शामिल है, इस प्रेम के अंदर। गलतियों 3:24 में ये लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी हैं। व्यवस्था की जगह दसवें अध्याय रखेंगे क्या है? इसलिए दसवें अध्याय मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक है। क्यों दसवें अध्याय हमें कहां तक ले जाता है, पहुंच जाता है? मसीह तक पहुंच जाता है, यीशु तक पहुंच जाता है। कि अपने अपने कामों से कभी धर्मी नहीं देगा, विश्वास से ही, मतलब अनुग्रह से ही उधार पाएंगे, या ये सिखा देता है दसवें अध्याय हमारा अच्छा शिक्षक है। तो ये शिक्षक से हम सीखें और ये इसको पालन करने से उधार नहीं पाते, लेकिन उधारकर्ता की तरफ हम ले जाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़ने से पहले हमें एक महान आदेश दिया था, याद है? क्या है? मत्ती 28:19 में पढ़ दूंगा, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु ने ये आदेश देके ऊपर चले गए। इसलिए चर्च इस महान आदेश को ग्रेट कमीशन बोलते हैं। इस ग्रेट कमीशन को तो फुलफिल करने के लिए बहुत कोशिश तो करते हैं, लेकिन यीशु ने इस आज्ञा में जाके सुसमाचार सुनाओ बस यहां तक नहीं छोड़ा। इनका ये मुख्य क्रिया क्या है? इसमें चेला बनाओ, चेला बनाओ। चेला कैसे बनाते हैं? जो जो बातें जो मैंने आज्ञा दी थी उसको आप सिखाओ। यीशु ने क्या आज्ञा दी? नहीं आज्ञा क्या दी? एक दूसरे से प्रेम करो, मतलब 10 आज्ञाओं का जो मुख्य बात है प्रेम, वो दे दिए, वो सिखाओ और चेला बनाओ। इसको हम ग्रेट कमीशन बोलते हैं। और जो ये 10 आज्ञाओं को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट कमेंडमेंट बोलते हैं। ग्रेट कमीशन, ग्रेट कमेंडमेंट, ये दोनों जुड़ा हुआ है। हमें लोगों के पास जाना है क्योंकि ग्रेट कमीशन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने जाओ चेला बनाओ, ये ग्रेट कमीशन है। लेकिन सिखाओ चेला बनाओ, ये क्या है? ग्रेट कमेंडमेंट के माध्यम से। ग्रेट कमेंडमेंट क्या है? परमेश्वर से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, अपने समान। मतलब 10 आज्ञाएं सिखाओ, 10 आज्ञाओं को पालन करो, ऐसा करने से तू चेला बन जाओगे। ग्रेट कमीशन के बाद हमेशा क्या है? ग्रेट कमेंडमेंट। तो आप दोबारा प्लीज रिपीट करते सुनिए, सुन के इसके अनुसार चलने के लिए आप कोशिश कीजिए। और ये जाने कभी कभी किया जाता है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभी मैं अपने आप का इंकार किया, अब यीशु मसीह मेरे अंदर है इसलिए किया जाता है। लेकिन कभी बार नहीं किया जाएगा तो हम नम्र बन जाएंगे और यीशु मसीह से हम विनती करेंगे, यीशु मसीह मदद करें मुझे, आप कभी मुझे छोड़ना मत। यीशु मसीह को जल्द से जोर से पकड़ेंगे, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे अंदर आएगा तो ये दोबारा हम ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा करके 10 आज्ञाओं के माध्यम से हम सब वहां तक चले जाएं कि जो परमेश्वर
चाहता है वो हम तक हम बढ़ते चले जाएंगे और पक्का मसीह बनेंगे, पक्का चेला बनेंगे। सिर्फ मसीह नहीं बनेंगे हम, पक्का मसीह, पक्का मसीह नहीं, पक्का चेला बनेंगे। ये यीशु मसीह का महान आदेश और यीशु मसीह की इच्छा है और ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर इस दशा आज्ञाओं के द्वारा मुझे और आप सबको अनुग्रह दे और आशीष दे ताकि हम सब सच में मसीह में रहें और मैच्योर होके उनकी महिमा के लिए हम आगे बढ़ते चले जाएं।